देखिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम आज बनाने जा रहे हैं मिक्स भाजी, जिसके लिए मैंने सब भाजी मिला के आधा किलो ली, जिसमें फुलावर है, वटाना है, गाजर है, दो आलू है, गवार है, पापड़ी की भाजी है, तीन बैंगन है, एक शिमला मिर्ची है, दो टमाटर है और दो बड़ी साइज़ की प्याज मैं चॉप कर लूँगी इसमें। देखिए भाजी में फ्लावर, वटाना, गाजर, आलू, गवार, बैंगन, पापड़ी की भाजी, शिमला मिर्ची, टमाटर, ये हमें सब कोई भी मिक्स भाजी लेना है। अभी हम इसको भाजी को धो के अच्छी तरह से थोड़ा तेल में फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा मेथी दाना चटक गया, अब हम इसमें देखिए अभी हम इसकी सब भाजी डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी हम इसमें बैंगन भी डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और हम इसमें आलू भी डाल के भून लेंगे। देखिए हम थोड़ा नमक भी डालेंगे। प्याज डाल के मैंने इसको चॉप कर ली अच्छी तरह से। देखिए हम कढ़ाई गर्म कर रहे हैं, इसमें हम तेल डालेंगे। जैसे हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें थोड़ा मेथी दाना डालेंगे। हम जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे चॉप की, अच्छी तरह से गुलाबी कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज लाल हो चुकी है, अब हम इसमें ये फ्राई की हुई भाजी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच कूटा हुआ जीरा, अच्छी धनिया, अच्छी लाल मिर्ची, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम दो छोटे साइज के टमाटर डालेंगे और सिलो पे इसे पकने देंगे। एक पांच वाला मैगी मसाला डालेंगे, क्योंकि ये हमारी चटपटी सब्जी, इसमें थोड़ा हम चाट मसाला भी डालेंगे। ये हमारी भाजी बनके तैयार हो गई है माशाल्लाह, आप भी इसी तरह बनाइए। इसमें अभी मैं बाद में कोथमीर डालूंगी, गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये मैं भूल गई थी हींग डालना, थोड़ी सी हींग है, चाट मसाला है, नमक तो पहले मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको मैं सिलो पे पकाऊंगी गले तक। करेंगे हम रोटी रखेंगे। मैं मालास का काला खट्टा शरबत बना रही हूँ खाने के साथ, लंच है ये हमारा। देखिए मैंने इसमें डाल दिया,
एकदम चिल्ड। ये हमारी सब्जी है, कोथमीर है, देखिए अभी हम इसमें पानी डालेंगे काले कट्टे में, चिल शरबत है। और ये हमारा आम का मुरब्बा है, देखिए आज का हमारा ये लंच है। रोटी, आम की खट्टी मिट्टी, अचार, सब्जी, काला कट्टा, सलाद।